नियम 134 ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार है। जिस अधिकार के तहत हाल में ही परीक्षा कराकर बच्चों को स्कूल अलॉट किए गए थे, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल संचालक गरीब बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि सरकार पहले पिछले 7 वर्षों से बकाया राशि का भुगतान करे, जिसके बाद वो गरीब बच्चों का दाखिला कर लेंगे। वही नियम 134 ए के तहत गरीब बच्चों की मदद करने वाले समाजसेवी एडवोकेट कैलाश चंद ने कहा कि सरकार फीस देने को तैयार है, लेकिन प्राइवेट स्कूल फीस लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो इस मुद्दे को बनाए रखना चाहते हैं। रेवाड़ी के जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने खड़े ये अभिभावक और शिक्षा विभाग के कार्यालय के सामने खड़े ये अभिभावक वो हैं जिनके बच्चों का नियम 134 ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला होना है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने दाखिला करने से इनकार कर दिया है। और अभिभावक परेशान है कि पता नहीं कि उनके बच्चों का एडमिशन होगा या नहीं, लिहाजा वो शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। अगर हमारे बच्चों को 24 तक एडमिशन नहीं हुआ तो हम 25 तारीख को डीसी ऑफिस के सामने अपने बच्चों को लेकर जाएंगे और वहाँ पर बैठ जाएंगे, अनिश्चितकाल धरना देंगे, क्योंकि हम चक्कर काट के स्कूलों के थक चुके हैं। गरीबों का अपमान ही है। अब हम गरीब हैं, हमारे बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं, तो अगर 134 हमारे लिए बनाया गया है तो हमें उसका अच्छी तरह से फायदा मिले। ये थोड़ा ना कि हमें स्कूल में ही एंट्री ना दें। है पर मेरे बच्चे का वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। स्कूल में जाने, 2 बार स्कूल में जा चुकी, जाने के बावजूद ही वो कहते हैं कि आप है ना, जब तक सरकार हमारे 7 साल के पैसे नहीं देगी, इससे पहले हम स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे। अब मेरे को पता नहीं आगे क्या प्रोसेस होंगे। वो कह रहे हैं आप डीओ ऑफिस में जाओ, कोई कह रहा है वकील से मिलो, तो हमें कुछ इस बारे में नॉलेज है नहीं। मेरे पाँव में इस समय लगी हुई है, मैं तो घर पे हूँ और मेरी मिसिस से कहा जा रहा है कि एडमिशन नहीं होगा। अभी भी स्कूल में 5-6 प्रिंसिपल के सामने बोल के आए हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया, आप इसको लो, तो वो ले नहीं रहे। आपको बता दें कि हर वर्ष नियम 134 ए के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए एक रिटर्न टेस्ट कराया जाता है। इस वर्ष भी करीबन 2.5 लाख सीट पर टेस्ट कराए गए, जिस पर महज 66,000 बच्चों ने ही आवेदन किया और 5 दिसंबर को टेस्ट कराकर 15 दिसंबर को फाइनल लिस्ट विभाग ने जारी कर दी थी। यानी बच्चों को प्राइवेट स्कूल अलॉट कर दिए गए, जिसके बाद अभिभावकों ने कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर 24 दिसंबर तक दाखिले की पूरी प्रक्रिया पूरी करनी थी, लेकिन गरीब अभिभावकों के सामने संकट खड़ा हो गया है कि स्कूलों ने दाखिला करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बैठक करके ये फैसला लिया था कि वो तब तक नियम 134 ए के तहत गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देंगे जब तक कि सरकार उनके 7 वर्षों की बकाया राशि जारी नहीं करती है। उन्होंने सरकार को सुझाव भी दिया है कि सरकार सीधे बच्चों के खातों में फीस जमा कर दे, ताकि उन्हें फीस समय पर मिल सके और बच्चे भी अपने पसंद के स्कूल में पढ़ सके। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने नियम 134 ए के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों के गरीब होने पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिनका कहना है कि जो गरीबी के दायरे में नहीं आते वो भी इसका लाभ ले रहे हैं। 134 ए के तहत जो विद्यार्थियों को एडमिशन सभी स्कूलों में देना है, पिछले 7 साल से शिक्षा विभाग वो पैसे जारी नहीं कर रहे। अगर शिक्षा विभाग पहले 7 साल के पैसे जारी करें, सरकार जारी करे, उसके बाद ही हम 134 ए के तहत एडमिशन देंगे, अदरवाइज 134 ए के तहत हम एडमिशन नहीं देंगे। आपने जो 134 ए के तहत पैसे लेने की प्रक्रिया जो थी, फॉर्मेलिटी सही पूरी की सरकार से? देखिए, वो हमारी सबकी प्रक्रिया, यानी बी और डी ओज ऑफिस से अनेक बार रिमाइंड देने के बाद भी कुछ स्कूलों को जारी हुए हैं, गिने चुने स्कूल हैं, उसमें मुट्ठी भर स्कूल हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ भी जिन स्कूलों में 134 ए के तहत पढ़ते, तमाम सभी स्कूलों को पिछले 7 साल से वो भुगतान किया जाए, उसके बाद हम एडमिशन देंगे। हम जिस क्षेत्र में स्कूल चलाते हैं उस क्षेत्र के गरीब बच्चों को हम जानते हैं, और यहाँ पर ये सुविधा लेने के लिए गलत लोग भी अप्लाई करते हैं और 134A को उन्होंने माध्यम बनाया हुआ है। सरकार से निवेदन है, सरकार ईमानदारी से अगर गरीब बच्चों की मदद करना चाहती है तो वो बच्चों के खाते में पैसे भेजे, पेरेंट्स के खाते में पैसे भेजे, वो बच्चा अपनी च्वाइस अनुसार, हो सकता है कोई बच्चा 2,000 रुपये के स्कूल में जाना चाहता हो, उसको 1,500 रुपये मिल रहे हैं, तो वो 500 रुपये की कैपेसिटी अपने अपने उससे भर के 2,000 वाले स्कूल में भी जा सकते। वही नियम 134 ए के तहत गरीब बच्चों की
दाखिला दिलाने में मदद करने वाले समाज सेवी कैलाश चंद एडवोकेट ने कहा कि सरकार प्राइवेट स्कूलों को फीस के देने के लिए तैयार है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वो फीस लेने को तैयार नहीं है। प्राइवेट स्कूल गरीब बच्चों को अपने स्कूल में दाखिला देना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर तक अगर अभिभावकों ने दाखिला नहीं लिया तो ये सीट उक्त बच्चे के कैंसिल करके किसी और को अलॉट कर दी जाएगी। इसलिए अभिभावक 24 दिसंबर से पहले शिक्षा अधिकारी या जिला उपायुक्त को शिकायत जरूर करें, साथ ही रिसीविंग ले ताकि उस रिसीविंग के आधार पर उनके पास प्रूफ हो और उस आधार पर आगे की कानूनी लड़ाई लड़ी जा सके। वहीं शिक्षा अधिकारी का कहना है कि 24 दिसंबर तक दाखिला करा दिया जाएगा, अगर नहीं हुआ तो तारीख बढ़ाने के लिए भी उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा। सभी स्कूलों में जो ये एडमिशन हमने किए हैं, इन सब के एडमिशन करवाना हम सुनिश्चित करेंगे, ये सरकार की जिम्मेवारी है। अगर मैंने इन गार्जियन को कहा है कि जो भी स्कूल आपको परेशान कर रहा है, आप अपना अलॉटमेंट लेटर लगा करके एक एप्लीकेशन खंड शिक्षा अधिकारी को दे दें, हम इन सब का एडमिशन कराना सुनिश्चित करेंगे। कैसे आगे प्रक्रिया आप कैसे हम इनको नोटिस जारी करेंगे, इनको मान्यता सरकार से दी हुई है और जब मान्यता जब इनको देते हैं तो उस टाइम इनसे एक एफिडेविट लिया जाता है कि हम 10% बच्चे फ्री पढ़ाएंगे, तो वो इनको पढ़ाने पड़ेंगे प्राइवेट स्कूलों को। कब कार्रवाई होगी? आज ही कर देंगे, आज का आज सारी कंसोलिडेट रिपोर्ट आज हम डीओ को भेज देंगे और डीओ कल इनको लेटर इशू करके शोकाज नोटिस देके इनको बुला लिया जाएगा। एक दो दिन में इनके बच्चों का सुनिश्चित बिल्कुल सुनिश्चित 100% 24 डेट की आप चिंता ना करें, डेट अगर 24 तक हो जाएगा 24 नहीं को सरकार डेट बढ़ा देगी, सरकार के हाथ में ही। नियम 134 में क्लियर प्रावधान है कि किसी भी बच्चे का जो सरकार द्वारा अलॉट कर दिया गया स्कूल, उस वो स्कूल किसी भी बच्चे को दाखिले के लिए मना नहीं कर सकता। अगर मना करता है तो सीधा है कि वो माननीय हाईकोर्ट का आदेश की अवहेलना है। इसके लिए अभिभावकों को चाहिए कि वो अपने जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उपायुक्त या निदेशक को अपनी शिकायत भेजें। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो न्यायालय का जो दरवाज़ा है वो भी खटखटा सकते हैं। देखिएगा, ये स्कूल बार बार कह रहे हैं कि हमें 7 साल से पीछे का बकाया नहीं मिला है। इसमें स्पष्टीकरण में ये देना चाहूँगा कि कोई भी स्कूल जिनका कोई भी बकाया है वो अपने रिम्बर्समेंट के लिए सरकार बार बार कह रही है कि हमारे पास आएँ और रिम्बर्समेंट लें, परंतु ये स्कूल वाले खुद लेना ही नहीं चाहते क्योंकि इनको डर है कि कहीं ऑडिट करेगी सरकार और उस ऑडिट के डर से ये उस नियम 134 के रिम्बर्समेंट को लेना ही नहीं चाहते। यहाँ आपको बता दें कि हर साल नियम 134 ए के तहत पढ़ने वाले बच्चों को परेशान करने के मामले सामने आते हैं, जिनका केस समाज सेवी कोर्ट में डालकर मदद करते हैं। इस वर्ष तो सरकार द्वारा फीस न देने की बात कहकर प्राइवेट स्कूलों ने दाखिला लेने से ही इनकार कर दिया है। ऐसे में गरीब अभिभावक परेशान हैं और अपने बच्चों के दाखिले के लिए धक्के खा रहे हैं।